खबर देवरिया जनपद से है। रुद्रपुर थाना अंतर्गत फतेहपुर में हुई 6 लोगों की निर्मम हत्या के बाद आज पूर्व शिक्षा राज्य मंत्री सतीश द्विवेदी देवेश से मिलने पहुंचे। मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि देवरिया में जो घटना हुई है इसको लेकर पूरा देश पूरा प्रदेश दुखी है। हम तो बहुत नजदीक के हैं, आना जाना लगा रहा है। जो चुनाव हुआ उस समय मैं प्रभारी था, देवरिया से बहुत जुड़ा हूं, इसलिए मैं इस घटना से व्यक्तिगत रूप से बहुत दुखी था। पूरे भाजपा के लोग इससे दुखी थे, इसलिए हमने सोचा क्यों नहीं चल करके बच्चे का मनोबल बढ़ाया जाए। जो तस्वीर देख रहे थे बच्चों की, परिवार की, उससे लग रहा था कि कितनी आर्थिक खराब स्थिति में रह रहा परिवार, जो खेत पत्रक संपत्ति व दूसरे लोगों ने ले लिया था। इसलिए सिद्धार्थ नगर के हमारे क्षेत्र के कई जनप्रतिनिधि भरोसा देने आए हैं, आज के लिए नहीं जीवन भर का साथ निभाएंगे। 2 लाख का सहयोग हमारे क्षेत्रों के लोगों ने इस परिवार को दिया है। समाजवादी पार्टी हमेशा प्रदेश में जाति की घटिया राजनीति करती है। और एक सवाल के जवाब में कहा कि बीजेपी बैकफुट पर है, न सरकार बैकफुट पर है। योगी जी बार बार कहते हैं कि अपराध के प्रति, भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस है। इस दिशा में सरकार आगे बढ़ रही है। आप लोग देख रहे होंगे पहले ऐसी घटना हुई है कि कुछ वर्षों में मुख्यमंत्री जी ने स्वयं घटना का संज्ञान लिया, स्वयं प्रदेश के उच्च अधिकारियों को भेजा, बच्चों से मिलने मेडिकल कॉलेज गए और तुरंत ही तमाम कार्रवाई चल रही है और एक कानूनी प्रक्रिया है उसका पालन हो रहा है, पैमाइश चल रही है। और जिन सरकारी जमीनों पर या अवैध जमीनों पर भूमाफियाओं का कब्जा हो रहा है वह खाली करने जाने की पूरी प्रक्रिया चल रही है। पूरी सरकार पीड़ित परिवार के साथ खड़ी है, पूरी बीजेपी पीड़ित परिवार साथ खड़ी है, हम सब खड़े हैं। और आप सबको विश्वास दिलाता हूं, निश्चित रूप से योगी सरकार पूरी इस मामले में दूध का दूध और पानी का पानी करेगी और किसी भूमाफिया को, अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा। मैं चेतावनी देना चाह रहा हूं कि कोई भी कितना भी बड़ा माफिया क्यों न हो, योगी सरकार से बचेगा नहीं। देवरिया जनपद से त्रिभुवन कुमार त्रिपाठी की रिपोर्ट। आप आए हैं देवरिया में, दुबे परिवार का हाल जानने, क्या आप सहयोग कर रहे हैं, क्या मांग कर रहे हैं आप? देखिए जो घटना देवरिया में हुई है उसको लेकर के पूरा प्रदेश पूरा देश दुखी है। हम सब तो बहुत नजदीक के हैं, देवरिया आना जाना लगा रहा है। मैं तो 2000 पिछले उपचुनाव में जो उपचुनाव हुआ उसमें वहां प्रभारी था, इस कारण देवरिया से बहुत करीब से जुड़ा हूं। इस नाते इस घटना से व्यक्तिगत रूप से बहुत दुखी था, पूरे भारतीय जनता पार्टी और अन्य विचार परिवार के लोग सब लोग दुखी थे। इसलिए हम सबकी इच्छा थी कि चल करके बच्चे का मनोबल बढ़ाया जाए। जो तस्वीरें देख रहे थे परिवार के घर की बच्चों की, उससे लग रहा था कि इतने खराब आर्थिक स्थिति में रह रहा है ये परिवार। जो पैतृक संपत्ति थी, खेत था, वो सब तो दूसरे लोगों ने सब ले लिया था। इसीलिए सिद्धार्थ नगर के हमारे कई जनप्रतिनिधि और हम सब लोग इस परिवार का संबल बढ़ाने, इस बच्चे को भरोसा देने के लिए आए हैं कि अभी आज के लिए नहीं केवल जीवन भर के लिए साथ निभाएंगे, सहयोग करेंगे। और हमारे क्षेत्र के लोगों ने 2 लाख रुपए का आर्थिक सहयोग भी इस परिवार के लिए भेजा है, इसीलिए यहाँ आए। ये बताइए कि इस समय जहाँ इस परिवार पर संहार हुआ, समाजवादी पार्टी राजनीति कर रही है, रोज एक उनके घर पे लोग जा रहे हैं सपा के लोग और आरोप लगा रहे हैं उल्टे देवेश पे और विधायक सभा पे जो लड़ाई लड़ रहे हैं, तो इस पर आपका क्या कहना है? पार्टी को बैकफुट पर बीजेपी अभी है, क्यों नहीं कार्रवाई हो रही है वहाँ पे? नहीं, पहली बात तो देखिए समाजवादी पार्टी हमेशा प्रदेश में जाति की घटिया राजनीति करती है और न बीजेपी बैकफुट पर है न सरकार बैकफुट पर है। योगी जी जो बार बार कहते हैं कि अपराध के प्रति, भ्रष्टाचार के प्रति उत्तर प्रदेश में जीरो टॉलरेंस है, उसी दिशा में सरकार आगे बढ़ रही है। आप लोग देख रहे होंगे पहली ऐसी घटना हुई है इधर के कुछ वर्षों में, मुख्यमंत्री जी ने स्वयं घटना का संज्ञान लिया, स्वयं प्रदेश के उच्च अधिकारियों को भेजा, बच्चे से मिलने मेडिकल कॉलेज गए और तुरंत ही तमाम कार्यवाहियां चल रही हैं। एक कानूनी प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया का पालन हो रहा है, पैमाइश हो रही है और जिन सरकारी जमीनों पर या अवैध जमीनों पर भूमाफियाओं का कब्जा हो रहा है उनको खाली कराए जाने की पूरी प्रक्रिया चल रही है। पूरी सरकार पीड़ित परिवार के साथ खड़ी है, पूरी भाजपा पीड़ित परिवार के साथ खड़ी है, हम सब खड़े हैं। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि निश्चित रूप से योगी सरकार पूरे इस मामले में दूध का दूध और पानी का पानी करेगी और किसी भी भूमाफिया और अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा। कार्रवाई की क्या मांग कर रहे हैं आगे? कार्रवाई कुछ रुकी हुई है? नहीं नहीं, कार्रवाई की प्रक्रिया चल रही है। हम सब लोग पूरे, हम जितने कार्यकर्ता सारे लोग अनुरोध कर रहे हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी हम सब लोगों की भावना से परिचित हैं, स्वयं इस क्षेत्र के रहने वाले हैं, सब चीजें जानते हैं।
इसलिए कर मांग नहीं कर रहा हूँ, मैं चेतावनी देना चाह रहा हूँ कि कोई कितना भी बड़ा माफिया क्यों ना हो, ये भी सरकार में ये बचेगा नहीं, ये जान।